सुजानपुर पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता वर्मा ने प्रीति गृह में पत्रकार वार्ता में कहा कि स्विजर बैंक में भारतीयों के पैसे में हुई वृद्धि पर प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री चुप क्यों हैं। विदेशों में जमा कालाधन लाने में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही है तथा कांग्रेस के समय जो कालाधन विदेशी बैंकों में जमा था आज उसकी परिभाषा ही बदल दी जा रही है। नोटबंदी के बाद जो काला धन खत्म होना चाहिए था वह अचानक इतना पैसा बढ़ गया है, ये आज जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर हाई कमान उन्हें लोकसभा चुनावों के लिए टिकट देती है तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अगर उन्हें टिकट देती है तो उन्हें खुशी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो हमीरपुर दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू व संगठन पर संदेह जताया था वह संदेह उनका निजी हो सकता है, मगर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से प्रदेश कांग्रेस को नुकसान हुआ होता तो दिल्ली हाईकमान इस बात पर खुद कोई कदम उठाती। उन्होंने कहा कि एक आध बात को छोड़कर हर बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नॉमिनेट करके ही बना है, चुनाव से नहीं। उन्होंने कहा कि जहां पर उनके समर्थकों की कोई कदर नहीं होगी वो उस जगह जाने से परहेज करेंगी। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने जो कल रैली निकालकर सांसद से हिसाब मांगा है वो स्वागत योग्य कदम है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह बेदी, विनय शर्मा व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें हम जो भी पार्टी का कैंडिडेट होगा उसका हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे और इस बार लोकसभा की सीट जो है हमीरपुर की हम जीत के लाएंगे और अपने कैंडिडेट को दिल्ली भेजेंगे। हमने हरदम पार्टी का ही आज्ञा मानी है। जब भी पार्टी ने हमें कहा चुनाव लड़ो हम लड़े हैं, जब उन्होंने कहा कि अभी मत लड़ो हम नहीं लड़े हैं। और अगर पार्टी समझती है कि मैं सक्षम हूं एमपी का चुनाव लड़ने के लिए तो मैं जरूर पार्टी का ही साथ दूंगी और पार्टी के लिए मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। मुझे इनविटेशन कार्ड दिया गया था लेकिन मैं समझती हूं कि अगर मेरे साथ जो कांग्रेस के लोग जुड़े हैं, जो कांग्रेसी हैं सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में, अगर उनको भी बुलाया गया होता, उनको भी सम्मिलित किया गया होता तो मैं जरूर आती। लेकिन जिस तरीके से मतभेद रखा जा रहा है उन कांग्रेसियों को जो मेरे साथ जगदेव ठाकुर के समय से लड़ते आए हैं, जिन्होंने बीजेपी का कभी साथ नहीं दिया, हमारे साथ ही चले हैं, उनको नहीं पूछा जाता है, उनके बारे में नहीं सोचा जाता है, ना उनके काम किए जाते हैं, तो मैं एक कांग्रेस की नेता होने के नाते जिसने इस खास करके जो सुजानपुर क्षेत्र है उसके लिए मैंने इतने सालों से कार्य किया है और उन लोगों की वजह से मैंने कार्य किया है और सफलता पाई है, और अगर उनको इग्नोर किया जाता है तो मेरे हिसाब से मैं वो नेत्री नहीं हूं जो सिर्फ अपने लिए और स्वार्थ के लिए अपने लिए ही खड़ी रहूं। मैं अपने वर्कर के साथ हूं, आज जो भी हूं मैं वर्कर की वजह से हूं। अगर मेरा वर्कर पिछड़ेगा, अगर उनको नहीं पूछा जाएगा तो मैं भी आगे आने में सक्षम नहीं रहूंगा।